जय हिंद। बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूं मैं आरंज सवाल सभी साथियों का विद्यापीठ 24 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आपने देखा है घुमा कटरा अधीनस्थ यानी रीवा जिले अधीनस्थ एक नकली सीमेंट फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ था 16 जून 2022 के दिन, जिसमें से बताया गया कि कई बल्कर की जो सीमेंट है वो नकली रूप से जो कि मिलावट युक्त सामने कई बोरियाँ पकड़ी गई हैं, जिसमें कई बल्कर भी पकड़े गए हैं और उसके साथ में ही अभी उसका खुलासा भी जारी है। यह कहानी मैं बता रहा हूँ 16 जून 2022 की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि कुछ आरोपियों का जो नाम था वो चिन्हित किया गया था और कुछ आरोपियों का जो है संदेह पूर्वक उसमें जांच चालू हुई थी। पकड़े गए जो आरोपी थे जिसमें से उस वक्त चंद्रशेखर थे। 30 जुलाई के दिन जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम बताया जा रहा है महेंद्र प्रसाद उर्फ पप्पू मिश्रा, जो कि घूमा कटरा के ही रहने वाले हैं। गढ़ पुलिस से बात की गई, वहाँ पर SDOP मनगमा डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी जी भी उपस्थित थे। उनसे जब वार्तालाप की गई उनसे उनको द्वारा बताया गया कि काफ़ी मात्रा में नकली बोरियाँ जो कि उसमें जो बोरियाँ आप किल में भी देख सकते हैं। जी, गढ़ थाना अंतर्गत कटरा के पास से घुमा जो है मौजा है, जहाँ पर नकली सीमेंट काफ़ी तादाद में पकड़ी गई थी, जिसमें से 6 गाड़ियाँ और ये सीमेंट भरी हुई वो हम लोग जो जब्त करके जो लाए हैं, जिसमें से एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका था जिसे जो जेल भेजा गया है। अन्य आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से उस एक प्रमुख आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। कुछ आरोपी अभी भी शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है और जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपियों में कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं? अभी 2 आरोपी, 2 आरोपी और जिसमें से 3 अभी नामजद आरोपी हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी उनके मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अलावा विवेचना में अन्य आरोपी भी बढ़ाए जा रहे हैं। उसमें क्या कोई खाली बोरियाँ भी कंपनी की मिली हैं? प्रिंज सीमेंट और अल्ट्रा ट्रेक कंपनी की खाली बोरियाँ भी मिली हैं, भरी हुई बोरियाँ भी मिली हैं, असली सीमेंट भी मिली है, नकली सीमेंट भी मिली है। थाना क्षेत्र पर या आपके कार्य क्षेत्र में क्या अभी भी कोई सीमेंट के कारोबार अवैध संचालित है कि नहीं? नहीं, अभी इस तरह से कोई कारोबार संचालित नहीं है, सभी पर पूर्णतः विराम। पकड़ा गया है उसका नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद उर्फ पप्पू मिश्रा, निवासी घुमा। उनको पकड़ा गया है? उनको जो पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज रिमांड में न्यायालय भेजा जा रहा है।